हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एआर फार्मा। तो आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दी मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें शायद ही अब आपका कोई डाउट बचा होगा, क्योंकि हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं हाउ टू पास इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर आपने पूरी साल मेहनत नहीं की है बट आपको फिर भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में पास होना है, तो वो वीडियो देखकर आप पक्का पास हो जाएंगे। तो वो वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी 22 ऐसी ड्रग्स हैं जिनके ऊपर आपको सिलेबस में स्टार देखने को मिल जाएगा। तो जिन 22 ड्रग्स के ऊपर स्टार है, तो आपको उसकी कंप्लीट स्टडी कर लेनी है, उसके बारे में आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, SAR एंड यूजेस, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, जो 22 ड्रग्स हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा 22 ड्रग्स पढ़ने में 4 से 5 दिन लगेंगे, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ये 22 ड्रग्स पढ़ सकते हैं और इतनी पढ़ के आप पास तो पक्का हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको सिंथेसिस से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे और बाकी अदर क्वेश्चन SAR वगैरह से भी मिल जाएंगे। और बाकी बहुत कुछ बताया गया है वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो हम बात करते हैं यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। यूनिट 1 उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो सिंथेसिस को इजीली याद नहीं कर पा रहे हैं या जिनको SAR वगैरह पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें कोई भी ड्रग नहीं दी हुई है, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, तो इस नेम से भी आ जाता है। तो इसको मैं आप कोई भी कंफ्यूज ना हो, डिफाइंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन पाथवे। तो जो हमारा फेज 1 और फेज 2 पाथवे होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना है, जो बहुत ही इजी है और आपने शायद पढ़ भी रखा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, प्रोबेबली ये क्वेश्चन हर ईयर देखने को मिलता है, तो ये इस बार भी देखने के मोस्ट ऑफ दी चांसेस हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। बात करते हैं हम अपने सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। तो जो हमारे फैक्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उस पर भी कभी कभी 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बट ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा वो है, बट ये इजी है, तो आप इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पढ़ लेंगे तो कोई ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की, जो है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, जो हमारी कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है ड्रग्स की, तो उस पे हमारा शॉर्ट नोट आ जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिनमें हमने मेनली 3 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही 3 हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो आइसोटेरिज्म, ये हमारा बायो आइसोटेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर ईयर देखने को मिल जाता है। तो इस यूनिट में आपको 2 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए जो आपको हर ईयर देखने को मिलते हैं, तो इन 2 में से 1 क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिल जाएगा, तो बायो आइसोटेरिज्म को जरूर पढ़े। बाकी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, उस पर भी हमें कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाए। और नेक्स्ट है हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट, जो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी पढ़ लें। बट जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो आइसोटेरिज्म, तो इन 2 क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, बट पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप देख रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा, तो ये सभी क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लें अगर अच्छे मार्क्स लाना है, और सिर्फ पास होना है तो जो इंपॉर्टेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो आप जरूर पढ़ लें। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 2 की, और यहीं से हमारी सिंथेसिस का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो अब हम यूनिट 2 में जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई सिंपैथोमाइमेटिक या फिर सिंपैथोलाइटिक ड्रग। कभी कभी हमारा सिंपैथोमाइमेटिक आ जाता है और कभी कभी सिंपैथोलाइटिक आ जाता है, बट इन मेडिसिनल केमिस्ट्री सिंपैथोमाइमेटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी सिंपैथोलाइटिक। अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आप सब नहीं पढ़ सकते, तो सिंपैथोमाइमेटिक को आप जरूर पढ़े, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे आपको दोनों ही पढ़ने, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है हमारा राइट डाउन दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस सार यूजेस ऑफ। यहाँ पे कुछ ड्रग्स दे रखे हैं जैसे सालबुटामोल, फिनाइलएफिन, इनकी आपको सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, SAR यूजेस वगैरह लिखनी है। तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में ये दोनों बिलोंग करती हैं, तो इसीलिए हमारी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू दी सिंपैथोलाइटिक ड्रग। तो आपको SAR कैसे लिखना है, यूजेस कैसे लिखना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे लिखना है, ये मैंने आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, और उससे आपको पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री इजीली समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और कभी कभी हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो इसके बारे में भी कभी कभी आ जाता है लिखने को, तो आप इसको भी पढ़ लें। जो यूनिट 4 का हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है हमारा राइट डाउन दी स्ट्रक्चर सिंथेसिस SAR एंड यूजेस ऑफ।
स्ट्रक्चर सिंथेसिस SAR एंड यूजेस ऑफ टोलाजोलिन एंड प्रोपेनोलॉल। तो जो हमारे ये दोनों हमारे कौन सी ड्रग्स है, ये प्रोपेनोलॉल हमारा बीटा ब्लॉकर है, टोलाजोलिन हमारा अल्फा ब्लॉकर है। तो जो टोलाजोलिन है इसको आपको इसका SAR नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमें कभी भी देखने को नहीं मिला और इस साल भी आपको पक्का ये देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप इसको ना पढ़ें, टाइम वेस्ट होगा। और जो हमारा प्रोपेनोलॉल का है उसका SAR आप जरूर देखें, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और कभी कभी ये सीधा आ जाता है हमारा बीटा ब्लॉकर का SAR के नेम से। तो आपके दो क्वेश्चन इसी से रेडी हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो जिसमें हमारा सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। तो जो हमारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, भाई होते हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन होते हैं उनके एक्शन को कॉपी करते हैं। तो भाई हमारे पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक एजेंट्स होते हैं, और एक्सप्लेन करना है हमें SAR ऑफ द पैरासिम्पैथोमिमेटिक। तो इनका हमें SAR भी एक्सप्लेन करना है, और ये हमारा कई बार देखने को मिला है और काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो है हमारा राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बाकोल न्यूस्टिग्माइन इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड प्रोसाइक्लिनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो जो हमारी ऊपर की दो ड्रग हैं वो हमारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक क्लास में बिलोंग करती हैं, और जो हमारी नीचे की तीन ड्रग हैं वो हमारी पैरासिम्पैथोलाइटिक्स में बिलोंग करती हैं। तो जो हमारा SAR पूछने के चांसेस होते हैं वो इन दो में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ये नीचे की तीन में। तो आप इसको भी जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जो हमारी बहुत ज्यादा लॉन्ग यूनिट है और सबसे ज्यादा इसी यूनिट से देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। जो हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते हैं इन्हें डिफाइन करना है और इनको क्लासिफाई करना है, और हमारा SAR पूछ लिया जाता है, राइट दी SAR ऑफ बारबिट्यूरेट्स एंड दी बेंजोडाइजेपिन्स। तो इन दोनों का हमें SAR भी देखने को मिल जाता है, बट अगर आपको मेनली पढ़ना है तो आपको बारबिट्यूरेट्स का देख लेना है, वैसे दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, जो है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जो हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है उन्हें हमें डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है, गिव द SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिनोथायाजिन। जो हमारा फिनोथायाजिन है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और SAR भी पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कन्वल्सेंट राइट इट्स SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो हमारी एंटी कन्वल्सेंट है उनको डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है। आप देख रहे होंगे कि यही लगातार पूछा जा रहा है डिफाइन एंड क्लासिफाई। तो आपको क्लास पकड़ लेनी है और उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। अब इसके बाद हम फोर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारा राइट डाउन द स्ट्रक्चर सिंथेसिस MAO एंड यूजेज ऑफ। तो इसमें जितनी भी स्टार वाली ड्रग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, डाइजेपाम बारबिटॉल क्लोरप्रामाजिन हाइड्रोक्लोराइड फेनिटोइन इथॉक्सिमाइड एंड कार्बामाजिपिन। तो ये ड्रग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 भी हमारी काफी लॉन्ग है, बट हमने इससे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला, तो आपको यूनिट 5 में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स। जो हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स होती है उनको डिफाइन करना और क्लासिफाई करना है। दूसरा हम बात करते हैं डिफाइन एंड क्लासिफाई NSAIDs। जो हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है उन्हें डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम राइट द स्ट्रक्चर सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ। तो जितनी भी स्टार वाली ड्रग्स हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे हेलोथेन मिथोहेक्सिटोल सोडियम कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड मेफोनिमिक एसिड और आइबुप्रोफिन। आइबुप्रोफिन हमारा हर साल देखने को मिलता है और इस साल भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो इसको जरूर पढ़ लें। अब आपको एक जरूरी बात बताते हैं, जैसे हमने सबके जो स्टार वाली ड्रग्स हैं उनके क्वेश्चन अलग से बनाए हैं राइट डाउन दी स्ट्रक्चर सिंथेसिस ऐसा करके, बट ये हमारे कभी कभी क्लास के साथ देखने को मिलते हैं और जनरली क्लास के साथ देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स एंड इसके बाद हमारा आ जाएगा राइट द स्ट्रक्चर सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ। तो जो इसकी ड्रग्स होंगी वो इसी के साथ जुड़ के आ जाएंगी और 10 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगी। तो आपको क्लास और उसकी ड्रग्स को अच्छे से पढ़ लेना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप वो वाली वीडियो जाके जरूर देखें जो हमने इससे पहले बनाई हुई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लें, बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।